शहजाद अली के महल पर चला बुलडोजर तो तिलमिला उठे असदुद्दीन ओवैसी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर हुए हमले को लेकर कार्रवाई करते हुए सीएम मोहन यादव की सरकार ने आरोपी शहजाद अली के आलिशान महल को ध्वस्त कर दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपी हाजी शहजाद अली का आलिशान महल जमींदो हो चुका है। बीते दिन उसके इस आलिशान महल पर पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी। करीब 20 करोड़ की लागत से बन रहा महल बुलडोजर की कार्रवाई के बाद देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। बता दें कि पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह के बाद अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिस तरह से MP की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को ध्वस्त कर दिया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सरकार चलती है तो रूल ऑफ लॉ से रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। कल आपके पास सत्ता नहीं रहेगी तो कल जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो वह क्या वह सरकार आपकी और आपके जिम्मेदारों के उनके घरों को तोड़ दे। बुलडोजर के जरिए आप जो कुछ कर रहे हैं ये संविधान का वायलेंस है। नरेंद्र मोदी पीएम मोदी की हैसियत से पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ मध्य प्रदेश की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, किसी के घर को तोड़ रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, तभी एनकाउंटर के नाम पर उन पर गोलियां मार दी जाती है। मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास मसला जरूर जाएगा और कोर्ट इंसाफ जरूर करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो सरकार डिमोल्यूशन के जरिए सत्ता चलाती है, वो याद रखें कि आप किसी का घर तोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब इसी तरह से वोट के जरिए जनता आपकी हुकूमत का डिमोल्यूशन करेगी। ओवैसी ने एक वीडियो में कहा था कि पत्थरबाजी की घटना के एक दिन बाद अली का घर गिरा दिया गया, जबकि उसने दावा किया था कि उसके पास घर के लिए कानूनी अनुमति थी। वैध अनुमति के अभाव में स्थानीय प्रशासन को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। उन्होंने पूछा कि क्या अली के घर को गिराने से पहले उन्हें नोटिस दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।